नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों 25 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और इसमें तहत हम कुछ 10 या 11 क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो भी हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, तो वो मुझे अपना नाम और करंट अफेयर्स लिख के 8317040152 पे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपका नाम को उसमें ऐड कर लिया जाएगा जिससे कि आपको रोज की रोज फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल आपको मिलती रहेगी, तो आपकी तैयारी आराम से होती रहेगी, साथ में वीडियो मिलता रहेगा, पीडीएफ मिलता रहेगा, तो करंट अफेयर्स की समस्या नहीं रहेगी आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर, 24 दिसंबर, 23 दिसंबर या इनमें से कुछ नहीं? दोस्तों किसान दिवस जो है वो पहले मनाया क्यों जाता है? तो किसान दिवस जो मनाया जाता है वो चौधरी चरण सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जुलाई 1979 से शायद फरवरी 1980 के बीच में रहे हैं और इन्होंने कभी पार्लियामेंट फेस नहीं की थी। ठीक है ना, पार्लियामेंट में बहुमत सिद्ध करने से पहले ही चौधरी चरण सिंह जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। 5-6 महीने के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे और किसान नेता थे। उससे पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, किसानों के बहुत बड़े नेता रहे हैं, किसानों के मुद्दों को बहुत अच्छी तरीके से नेशनल लेवल पर बहुत अच्छी तरीके से चौधरी चरण सिंह जी लेकर आए थे। एक बार इन्होंने मार्च निकाला था तो कम से कम 10-11 लाख किसान दिल्ली आ गए थे और जो किसानों की प्रॉब्लम है उसको रूबरू कराया था अपने जो प्रधानमंत्री उस समय के हुआ करते थे। तो किसानों के नेता रहे हैं। जो भी जमींदारी एक्ट था जो उसको ख़त्म करने में चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, तो काफ़ी एक्टिव रहे हैं। इन्हीं के बेटे हैं अजीत सिंह जी और उनके बेटे जैन सिंह जी आज भी पॉलिटिक्स में ये एक्टिव हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिन को यानी कि 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 दिसंबर या 24 दिसंबर? नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया गया? तो दोस्तों नेशनल कंज्यूमर डे जो है वो 24 दिसंबर को मनाया गया है और इसका जो थीम है 2018 के लिए जो थीम है वो इंग्लिश में बताता हूँ मैं आपको, लिखा है टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स ये इसका थीम है। कंज्यूमर यानी कि कोई भी व्यक्ति जो सामान खरीदता है, यूज़ करता है, उसे कंज्यूमर कहा जाता है। पहले इसको इतनी तवज्जो नहीं मिलती थी लेकिन जब से लिबरलाइजेशन हुआ 1991 के बाद से, जब से इकोनॉमी ओपन हुई, नए लोग, नई कंपनियां मार्केट में आई, तो अपना सामान बेचने की एक होड़ सी मच गई। ठीक है, तो अब जब सामान बेचने की होड़ मची तो हम लोग एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को तो बहुत देते हैं लेकिन सर्विसेज उसके साथ कैसी मिल रही हैं, कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो रहा है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड है कि नहीं है, सर्विस की क्वालिटी से सेटिस्फाइड है कि नहीं है, जो वादे किए जा रहे हैं क्या उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं है, इन सबको धीरे धीरे माना गया, समझा गया और इस बात की वैल्यू दी गई कि कंज्यूमर को भी दिक्कतें होती हैं तो उसकी समस्या को समाधान करने के लिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया जिसमें यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है यानी कि उनकी जो लॉ है उसके हिसाब से कुछ बातों को ध्यान रखते हुए ये जो हमारा इंडिया का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको बनाया गया। जैसे कि राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट ऑफ चॉइस, राइट ऑफ हेयरिंग, राइट ऑफ रिड्रेसल, राइट ऑफ एजुकेशन, ये सबको ध्यान रख के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बनाया गया जिसमें कंज्यूमर कि जो भी समस्या हो उसको समाधान करने की कोशिश की गई है। तो इसको हर साल या हर कुछ दिनों सालों में नए सिस्टम के हिसाब से अपडेट किया जाता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि ई शॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग अब ई शॉपिंग बहुत करते हैं, तो वहाँ पर ई शॉपिंग जब कर रहे हैं तो वहाँ पर कंज्यूमर जो है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो उसके लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं। ऐसा तो नहीं कि फेक कर दिया, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है, सोनाक्षी सिन्हा जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने कुछ सामान मंगाया और उसकी जगह पत्थर आ गए थे, लकड़ी आ गई थी, ऐसा कुछ भेज दिया गया, अमेज़न ने भेज दिया। तो ये सब चीज़ें ना हो किसी के साथ तो इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया है। एक चीज़ और होती है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे,
वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 2018 की थीम है मेकिंग डिजिटल मार्केट प्लेस फेयरर, ठीक है, मेकिंग डिजिटल मार्केट प्लेस फेयरर। तो दो हो गए हमारे पास, एक हो गया हमारा अपना नेशनल कंज्यूमर डे और एक हो गया हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो दोनों पर कंफ्यूज मत होइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विरोधी भीड़ हिंसा विधेयक पारित किया है? विरोधी भीड़ हिंसा विधेयक, केरल, मणिपुर, असम, या इसमें से कोई नहीं। देखो होता क्या है कि आपने एक वर्ड सुना होगा लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, ठीक है। मॉब लिंचिंग कई होता क्या है कि जब एक भीड़ बेकाबू होकर किसी व्यक्ति को मारना शुरू करे और मार पीट पीट के उसको मार डाले तो उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। कई बार मॉब लिंचिंग स्पॉन्टेनियस भी होती है, ठीक है, कि अचानक से कोई ऐसा क्रिमिनल गया और देखा पब्लिक के अंदर आक्रोश आ गया, उसको मार दिया, पीटा पाटा मार दिया उसको। कभी कभी ये डॉक्टर्ड भी होती है या कहें कि या एक स्ट्रेटजी के साथ की जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी को मारने के लिए एक साजिश के तहत उस भीड़ का रूप दिया गया और बोला गया कि ये पब्लिक ने मार दिया। अब पहले क्या था कि ऐसा रूल नहीं बन रहे थे कि पब्लिक ने मारा तो किसी पे नहीं बात आती थी, लेकिन मणिपुर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रोकने के लिए एक बिल पास किया है जिसमें बोला गया है कि जो भी ऐसे काम में इन्वॉल्व होगा, चाहे कितने लोग भी हों, एक हो इंसान या 10 हो या 50 हो, जितने लोग भी किसी की हत्या में शामिल होंगे सबको उम्र कैद मिलनी चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया बिल है, इससे मॉब लिंचिंग का जो यहाँ पे मैं तमाशा ही कहूँगा पिछले एक साल दो साल से काफ़ी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कभी गाय के नाम पे तो कभी किसी के नाम पर, जानवरों के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, तो इसके लिए ये बिल बहुत ज़रूरी है। आप हत्या को भीड़ का शक्ल देकर नहीं कर सकते, अपना अपने काम को जस्टिफाई या छुपा नहीं सकते। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह हैं, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, एन बीरेन सिंह जी हैं, पहले ये CRPF में हुआ करते थे, ठीक है। और बिल का नाम है द मणिपुर प्रोटेक्शन फॉर्म मॉब वायलेंस बिल 2018, ठीक है। अब मणिपुर की बात चली है तो दो बातें और बताना चाहूँगा। पहला है कि मणिपुर में लोकटक झील है, लोकटक लेक है, कई बार पूछा आता है, PCS तक में पूछा गया क्वेश्चन ये, लोकटक झील कहाँ पर है, तो मणिपुर में है, ठीक है। और वहाँ पर एक नेशनल पार्क है, मणिपुर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैबुल लमजियो नेशनल पार्क, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दो चीज़ें हैं, बिल तो आपने पढ़ ही लिया है, एक लोकटक झील पढ़ लीजिएगा और एक है कैबुल लमजियो नेशनल पार्क, कोई पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि ये मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? आज सिक्का जारी किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में, वो कितने वैल्यू का है, 40, 75, 100 या 80? तो मोदी जी ने जो सिक्का लॉन्च किया है उसकी जो कीमत है वो 100 रुपया है, 100 है, 100 वैल्यू है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। 2018 में 3 सिक्के और इस तरह से हुए हैं, कॉमरेटिव कहते हैं इनको, यादगार, याद में होते हैं, इनकी मार्केट में वैल्यू नहीं होती है लेकिन याद में ये सिक्के निकाले जाते हैं। एक है नाभा केलेवर रथ यात्रा जो है उसके नाम पर एक सिक्का निकाला गया, ठीक है, ये 10 और 100 के उसमें था, ठीक है, नाभा केलेवर रथ यात्रा 10 और 1000 के उसमें वैल्यू में है ये। एक हमारा है पीसी महलन बोलिस साहब जो हैं ये स्टैटिशियन रहे हैं, प्लानिंग कमीशन, हमारी पहली प्लानिंग कमीशन के ये मेंबर भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। इनका जन्म जो जन्मदिन है वो 29 जून को होता है और 2018 में 29 जून को उन्होंने 125 साल पूरे किए और बहुत बड़े स्टैटिशियन थे। तो वर्ल्ड इंडिया का जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो होता है वो 29 जून को मनाया जाता है, इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। महल मुनि साहब ने जो हमारी शुरू की प्लानिंग कमीशन में जो हैवी इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना था कि हम लोग एग्रीकल्चर से छोड़ के हैवी इंडस्ट्रीज पे ध्यान देने जाएंगे, तो वो सब इन्हीं का ही आइडिया था। और जो आप देखते हो कि सैंपल सर्वे होता है, आप कभी जनगणना का ले लीजिए या किसी का भी ले लीजिए, सैंपल सर्वे नाम सुना होगा, तो सैंपल सर्वे को किस तरह से रीड किया जाए, बनाया जाए, तो ये सब इन्हीं की देन थी, ये साइंटिस्ट भी थे और इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की थी। तो पीसी महलमणि साहब के 125वें जन्मदिन पर 29 जून को
125 रुपये का ये सिक्का जारी किया गया। ठीक है, एक सिक्का और जारी किया गया जो पाइका रेबेलियन के नाम पे 1817 में जो पाइका विद्रोह हुआ था उसके लगभग 200 साल पूरे होने पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 साल पूरे हो गए हैं लगभग। तो उस पे मोदी जी ने पाइका आंदोलन के ऊपर एक सिक्का जारी किया है। पाइका जो हुआ था वो 1817 में उड़ीसा में हुआ था, पाइका मूवमेंट हुआ था, जो वहाँ के लोकल जो आदिवासी थे या जो लोकल लोग थे वो वर्सेस ब्रिटिशर्स, और लड़ाई वही लड़ाई, जमीन की लड़ाई और आर्थिक लड़ाई, ठीक है, बिजनेस की लड़ाई, पैसे की लड़ाई थी। ब्रिटिशर्स के अपने फंडे थे, वो जाके जमीन पे कब्जा करना चाहते थे, और जो जंगल था जो आदिवासी थे कहते थे जंगल जो है वो उनका अपना जंगल है और उस पर उनके राइट्स हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको वो उन्होंने अपने रूल बना दिए थे कि आप लकड़ी नहीं चुन सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप झूम खेती नहीं कर सकते, ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, जिसके कारण विद्रोह हुआ और पाइका रिबेलियन इसका नाम से हम जानते हैं इसको। उड़ीसा में हुआ था 1817 में, इसके लगभग 200 साल पूरे हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में मोदी जी ने सिक्का जारी किया था। हाल में अग्नि 4 मिसाइल का सफलतापूर्वक 7वां परीक्षण कहाँ किया गया? 7वां परीक्षण अग्नि 4 मिसाइल का, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, या इनमें से कुछ नहीं। तो दोस्तों जो परीक्षण किया गया है वो उड़ीसा में किया गया, चांदीपुर इसमें आइलैंड में किया गया है, और अग्नि 4 का टेस्ट फायर टेस्ट ड्राइव था ये। 2010 में इसका पहली बार किया गया था। अग्नि 4 को पहले हम अग्नि प्राइम के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम अग्नि 4 कर दिया। ये अग्नि सीरीज की मिसाइल है ये, और इंडिया ने अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और सुनने में आ रहा है अग्नि 6 तक की बनाने के मूड में। अभी 6 का नाम नहीं दिया, अग्नि 5 तक तो हो गया। अग्नि 5 है उस वो लगभग 5,000 किलोमीटर दूरी तक की मार कर सकती है, वो इंडिया से 5,000 किलोमीटर तक दूरी तक मार कर सकती है। अग्नि 6 को शायद 6,000-7,000 के रूप में भी देखा जा रहा है। तो जनरली ऐसे याद कीजिएगा, अग्नि 1 की जो दूरी है मारने की क्षमता वो 1,000 है, अग्नि 2 की 2,000 है, अग्नि 3 की 3,000 है, अग्नि 4 की 4,000 है, अग्नि 5 की 5,000 है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इंडिया ने कभी ऑफिशियली बोला नहीं है कि अग्नि 6 के वो डिज़ाइन कर रहा है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों नहीं बोला कभी इंडिया ने कि अग्नि 6 को डिज़ाइन कर रहा है। भले ही इंडिया के पास ऐसी ऐसा काबिलियत है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया नहीं बना रहा है या नहीं जाहिर कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि अग्नि 6 जो है उसकी मारक क्षमता 6,000 किलोमीटर से या उससे ज़्यादा की होगी, तो जो पूरा यूरोप है, ठीक है, वो भी, और पूरा यूरोप हो गया, इधर जब जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब हमारे घेरे में आ जाएंगे। तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको इनसिक्योरिटी ना रहे, ठीक है, अभी तक क्या है ना, तो उनको लगता है कि यार इनके पास जो मिसाइल है वो 1,000-2,000-3,000 किलोमीटर के रूप में है, तो इनके कोई इतना ध्यान देता नहीं है। तो हमारे पास, हम लोग यूरोपियन से बड़े आराम से व्यापार कर लेते हैं, हमारे संबंध भी बड़े अच्छे रखते हैं, क्योंकि उनको हमसे खतरा नहीं है। लेकिन अगर इंडिया ने जाहिर कर दिया कि नहीं उसके पास मिसाइल जो है 10,000 किलोमीटर मार कर सकती है, मान लीजिए, तो क्या होगा कि ये लोग इनसिक्योर हो जाएंगे। तो शायद हो सकता है कि वो संबंध वैसे ना रहें, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हम जो इंडिया हमेशा बोलती है कि हम आपसे वेपन तभी खरीदेंगे जब आप हमें टेक्नोलॉजी दोगे, हम जहाज तब खरीदेंगे जब आप इंडिया में उसको बनाओगे, टेक्नोलॉजीज को दोगे, तो ये सब चीज़ें ना हो, तो इनसिक्योरिटी की भावना ना है उनके अंदर, तो इंडियन अग्नि 6 का जाहिर नहीं करते हैं। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से अग्नि 4 जो है वो उड़ीसा में इसका प्रशिक्षण किया गया। हाल ही में क्लब विश्व कप वर्ल्ड वर्ल्ड कप क्लब जो होता है, खिताब जीतने किसने जीता है? बीजिंग ने, एलन ने, रियल मैड्रिड ने, हमें कोई नहीं। देखिए जो वर्ल्ड वर्ल्ड कप होता है, क्लब वर्ल्ड कप जिसे होता है, वो इस साल जो जीता है वो रियल मैड्रिड ने जीता है। ये लगातार तीसरी बार है जब रियल मैड्रिड, ये स्पेन का एक क्लब है, बहुत ही फेमस क्लब है, वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब है, बहुत ही पुराना क्लब है और बहुत सक्सेसफुल क्लब है ये फुटबॉल का। तो उसने लगातार तीसरी बार इसने ये जीता है, और इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब थे वो इन्हीं से खेला, यहीं इस क्लब से खेला करते थे, जो बाद में आके यूवेंटस में चले गए हैं। हाल ही में ही गीतेगा गीतेगा को किस देश ने अपनी राजधानी घोषित किया है? गीतेगा, बरमूडा ने, माली ने, बुरुंडी ने, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों गीतेगा जो है वो है बुरुंडी की राजधानी, नई राजधानी है, और जो बुरुंडी है वो हमारा अफ्रीका का एक कंट्री है ये, ठीक है, अफ्रीका का बहुत ही गरीब कंट्री है बुरुंडी, उसकी राजधानी गीतेगा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा कि किसने अभी जस्ट चेंज किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा भारतीय साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाला सबसे तेज एशियाई बन गया, सबसे
फास्टेस्ट एशियन कौन बना है जो पूरे वर्ल्ड के चक्कर लगा लिया उसने साइकिल से ही? रविशंकर, वेदांगी कुलकर्णी, रानी रस्तोगी, उषा भटनागर। अब जो साइकिल से जो उन्होंने कवर किया है पूरा दुनिया को वो है हमारी वेदांगी कुलकर्णी। वेदांगी कुलकर्णी ने 159 डेज में, मात्र 159 डेज में ही पूरी पृथ्वी का चक्कर काट दिया साइकिल ही साइकिल से, ठीक है। तो और ये फास्टेस्ट एशियन बन गई हैं, फास्टेस्ट एशियन, ठीक है, दुनिया में नहीं है, एशिया की बात कर रहे हैं, फास्टेस्ट एशियन बन गई जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर 159 डेज में ही कवर कर लिया है, ठीक है। और बाकी लोग तो ऐसे हैं जो जो थोड़ा चलने में उनको आफत आती है साइकिल से। और देखिए हमारे हमारे देश की महिला जो हैं वो बिल्कुल दुनिया का चक्कर काट के आ गई हैं, तो ये है वुमेन पावर। हाल ही में 100 रुपए से ऊपर के सिनेमा टिकटों पर जीएसटी दर 28% से घटा कितनी कर दी गई है? जो आप मॉल में पिक्चर देखने जाते हो तो उसमें टैक्स है वो 28% से कम कर दिया गया है। कितना कम कर दिया? 12%, 15%, 18% या 20%? तो जो नया टैक्स स्लैब आया है उसके हिसाब से अब 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। तो अब क्या होगा कि अब जब आप मूवी देखने जाओगे तो साथ में पॉपकॉर्न भी खा सकते हो क्योंकि आपका पैसा बच जाएगा आपका, ठीक है। तो मात्र 18% देना है आपका, लगभग 10% पैसा बच रहा है, ठीक है। जो अभी तक जैसे रिपोर्ट आ रही है कि जीएसटी में जो जो टैक्स स्लैब है एक 5% पे होता है, एक 12% पे होता है, एक 18% पे होता है, एक 28% पे होता है। तो जो 28% वाला टैक्स स्लैब है जिसपे 28 कुछ आइटम्स में 28% का टैक्स लगता है, तो वो उसमें अब ज़्यादा बचे नहीं हैं लोग, ज़्यादा गुड्स, वो मात्र 28 गुड्स ही ऐसे हैं जो 28% वाले स्लैब में आते हैं जिसमें सब लग्जरी आइटम जाता है इसके अंदर, ठीक है। स्मॉल कार, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक एसी, रेफ्रिजरेटर, प्रीमियम कार, ये सब जो होते हैं सिगरेट वगैरह, ये सब 28% टैक्स लगाते हैं। उससे जो नीचे वाला जितना भी होगा वो सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए रहते हैं, आम पब्लिक की ज़िंदगी से जुड़े रहते हैं, इसलिए वो उस पर टैक्स की दर जो है कम लगती है। भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ स्थापित है? संगीत संग्रहालय वाराणसी में, हम्पी में, थिरुवयार में या किसमें से कोई नहीं? तो दोस्तों थिरुवयार में पहला संगीत संग्रहालय स्थापित किया गया है, संगीत संग्रहालय पहला स्थापित किया गया है। देश का पहला संगीत संग्रहालय थिरुवयारू तमिलनाडु में संत त्यागराज के जन्मस्थल केंद्र सरकार की सहायता से स्थापित किया गया। तो जो उनका संत त्यागराज थे तमिलनाडु के, तमिल तेलुगु के बहुत बड़े कवि थे, उनकी याद में, वो ये असल में 1767 से लेकर 1847 तक की संत त्यागराज रहे हैं, और इनकी याद में जो इनका जो बर्थ प्लेस है थिरुवयारू वहाँ पर संगीत म्यूजियम बनाया गया है। संत त्यागराज जो हैं उनके बारे में कहा जाता था कि त्यागराज एंड हिज कॉन्टेम्प्रेरीज श्याम शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितार रिगार्डेड एज द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। उनको एक ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता था कार्नेटिक यानी कि कन्नड़ म्यूजिक का, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा थिरुवयारू। दोस्तों इसके साथ ये आज का वीडियो समाप्त होता है। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है, जो लोग भी 2019 का सिलेबस या कोर्स ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फाइल और ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें जो फीस है वो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस है, और आप हमें 8317040152 पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। एक कोर्स और चल रहा है दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, UPSC मेंस का चल रहा है। इसमें भी आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फाइल और ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, दिया जाता है। इस कोर्स की फीस थोड़ी ज़्यादा है, वो 1000 रुपीज़ पर मंथ की फीस है, मात्र 5 महीने का कोर्स है ये। और आप हमें 8317040152 पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कोर्स में, इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।